नंबर वन है। खरिए जी, मध्य प्रदेश नंबर वन है बेरोजगारी में। बेरोजगारी में तो नंबर वन है, पर भ्रष्टाचार में भी नंबर वन है, अत्याचार में नंबर वन है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। ये आज मध्य प्रदेश नहीं बचा, अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले, जहां देखो घोटाला। ये आज इस प्रदेश की स्थिति है। मैं तो ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, खरगे जी हम सब आपको सुनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, यहां मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां हैं, देख के इन्हें बड़ी चिंता होती है कि सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश में हमारे बेरोजगार नौजवानों की है। यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का, जब इनका ही भविष्य में अंधेरा बना रहे। नौजवानों, जब तक आप इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे, तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहनें याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने। ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया, ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुना मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुना मैंने किया, कौन सी गलती मैंने करी? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाई? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने,
तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मैं, मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि दित्ता ये गुमराह करने आएंगे। दित्ती डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, दित्ती डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं, और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया। शिवराज जी का नाटक नौटंकी, मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं, कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा, और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे, आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है, नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है, और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनने, इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। यह सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से यह शुरुआत होती है। बच्चा होए, बुजुर्ग होए, ठगा गया, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा, आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है, भ्रष्टाचार के गवाह है जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है, और यही सबसे बड़ी, मैं सोचता हूं, आज कलंक मध्य प्रदेश पर है। आज ये गंभीर विषय पर मेरा आखिरी निवेदन आपसे है, इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिए, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा, राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है, जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का,
और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता आपके प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है, इन्वेस्टमेंट मैंने हमेशा कहा डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या हम भ्रष्टाचार से अट्रैक्ट करेंगे? हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेबल लगाए तो क्या या निवेश आएगा? तो ये आज मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हमारी आर्थिक गतिविधि बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे घटती हुई आज हमारी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। तो किराने की दुकान में जाओ वो तरसते, किसी दुकान में जाओ वो किसी और चीज से तरसते। जहां देखो, मैं तो सभाओं में पूछता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या समझाऊं, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। तो आज ये हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं, ये जो हमारी एक पैम्फलेट है हम घर घर तक पहुंचाएंगे। पर मैं सोचता हूं कि ये कोई नई जानकारी मध्य प्रदेश की जनता के लिए नहीं है। आज सब किसी गांव में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी जिले में जाओ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। ये आपको भी सुनने को मिलती है। 40 साल में मेरे राज 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुत्ते इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है, ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है, तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करो। कार्रवाई करते आप पिछले 4 महीनों में ये सब ई टेंडर हुए, इतने सारे घोटाले जो इनके समय के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं था। तो बहुत सारे घोटाले इनके 15 साल के उजागर नहीं हुए, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं उस रोड पर नहीं चल रहा था। मेरा लक्ष्य था मेरे मुख्यमंत्री काल में कि कैसे प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, हम किसानों के हित का क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। सर 2018 के पहले आपके वचन पत्र में जांच आयोग के गठन की बात कही गई थी कि जो तमाम घोटाले हैं एक साल के अंदर उनकी जांच कराई जाएगी, जो आरोपी होंगे उनको जेल के अंदर डाला जाएगा, लेकिन 15 महीने की सरकार में किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तमाम घोटाले हुए, चाहे व्यापम हो, हनी ग्रैप हो, भूषण हो, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सही है, 15 महीने थे मेरे पास जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता लोकसभा चुनाव में गए, याद रखिएगा 11.5 महीने थे मेरे पास। और मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी, मैं जानता था जब ये सौदा शुरू हुआ 2-3 महीने पहले, मैं जानता था। विधायक आते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता, मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास तो सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा लो लो पैसा मौज करो। आपने सहकारिता में भेजे, ई ट्रेंडिंग में भेजे, माफिया सोसाइटी। कमलनाथ जी, अभी बहुत बड़ा घोटाला चला आयुष्मान घोटाला, जो मृत्यु और जीवन से जुड़ा हुआ हो,
पलंग पलंग पे ही डाल देते हैं मरे हुए मरीज को, उसके नाम पे पैसा दे रहे हैं, छह छह एक एक आदमी के ऊपर पैसा दे रहे हैं। इसमें वो घोटाला नहीं है जो अभी चल रहा है, जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है, इसको भी शामिल करें। ये तो CAG की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा, ये घोटाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं आप सबने पढ़ा होगा, ये तो CAG रिपोर्ट से है। अभी आप ये पैम्फलेट पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों जिसकी जानकारी आपको नहीं है पर जनता को है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी जानकारी मीडिया को नहीं होती पर जनता को। आप पढ़ लीजिएगा, आप इसमें नहीं जाना चाहते। 50 फीसदी कमीशन को लेके आप, 50 फीसदी कमीशन को लेके आपने आरोप लगाया आप लोगों ने, आप लोग के ऊपर 41 सालों में FIR की थी। एक बार फिर से एक लेटर जारी हुआ, वीडियो जारी हुआ, उस पर आप क्या बात? देखिए वो तो वीडियो जारी हो गया, उस आदमी ने बोल दिया, खड़े होके बोला, तो ये तो अब लोगों की हिम्मत बन रही है। बहुत सारे लोग खुलासा करना चाह रहे हैं, ये आज जानते हैं कि क्या होने वाला है 4 महीनों में, तो उनकी हिम्मत बन रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगले 4 महीनों में 3 महीनों में और भी घोटाले सामने आएंगे सर। अब किसी का मुंह बंद नहीं है सर। वी हैव नॉट गॉन थ्रू द एलिगेशन रिपोर्ट यू हैव सबमिटेड, बट आई सिंपली आस्किंग इज वन क्वेश्चन, इज देयर इज इट कंसिस्टिंग द डिटेल्स इन सचिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डाउनफॉल ऑफ FDI और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनी अदर विद यू सी ऑल दिस व्हाट इज इन दिस लीड्स टू द इमेज ऑफ द स्टेट बीइंग लोअर्ड। जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मेरा बहुत बड़ा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की पहचान बने। मैं कोई फर्जी काम इन्वेस्टमेंट समिट टाइप नहीं करना चाहता था कि उसके बाद घोषणाओं की समिट है, ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था, घोषणाओं का समिट था। 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, वो तो देश में नहीं आया, ये तो नाटक था। मैंने सम्मेलन किया था, उसमें आप सब जानते हैं देश के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति बिजनेसमैन ने भाग लिया, सब ने भाग लिया, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की इमेज के चेहरे को एक विश्वास का चेहरा बनाना चाहता था। मैंने कहा कि मैं माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू करूंगा, शुद्ध का युद्ध, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार से नहीं होनी चाहिए, हाँ मिलावट से नहीं होनी चाहिए। ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इन्वेस्टमेंट क्यों जा रहा है दूसरे प्रदेशों में, अपने यहां क्यों नहीं आता? मुझे बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन ने कहा कि माफ करिए मध्य प्रदेश, यहां तो हर कदम पर भ्रष्टाचार है। सही बात है ऐसा।